गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी बोली, इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा, सात फेज में चुनाव से मोदी मंत्रियों को फायदा, कहा हमें हेलीकॉप्टर तक नहीं मिल रहे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों को देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर प्रचार करने के लिए सात चरण के चुनाव की योजना बनाई है। 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव निर्धारित किए गए हैं ताकि मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगी विपक्ष को कंट्रोल में करने के लिए हर चरण से पहले देश भर में विशेष विमानों से यात्रा करें। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले मई तक चुनाव हो जाया करते थे, लेकिन इस साल 1 जून तक बढ़ा दिया गया है ताकि मोदी आर्मी के प्लेन से दौरा कर सके। वहीं हमें हेलीकॉप्टर और अन्य वाहनों की व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है। भाजपा नेता हेलीकॉप्टर बुक करके बैठ गए हैं जिससे हमें बुकिंग नहीं मिल पा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जेल में अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा स्लो पॉइजन, आम आदमी पार्टी ने कहा सीएम को जान का है खतरा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल का इंसुलिन लेवल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें इंसुलिन की डोज नहीं दी जा रही। आम आदमी पार्टी नेता ने दावा किया कि ऐसी साजिशें चल रही है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल बार बार डॉक्टर को बता रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। डीजी और डीआईजी से भी इंसुलिन मांगा गया, लेकिन उन्होंने भी इंसुलिन देने से इनकार कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमरोहा में राहुल गांधी बोले, जातीय जनगणना देश का एक्सरे, जिस दिन हो जाएगी उस दिन देश बदल जाएगा। 7 साल बाद अखिलेश के साथ सभा की। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पहली बार अमरोहा में एक साथ जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि उनकी कितनी भागीदारी है। हिंदुस्तान का एक्सरे करवा दो, जातीय जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। सरकार आती है, हम जातीय जनगणना का काम शुरू कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना से सबको पता चल जाएगा कि आप कितने हो, आपकी कितनी भागीदारी है। इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं बिल्कुल नहीं। भाजपा के लोग कहते हैं कि एक्सरे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, हिंदुस्तान को दो तरह है कि शहीद नहीं चाहिए। भागलपुर में कहा, सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे, एनडीए को 150 सीटें मिलेंगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भागलपुर में जनसभा की। उन्होंने यहां कहा कि भाजपा के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूं एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक दिया जाएगा। देश को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए। राहुल गांधी के 12 मिनट के भाषण में उनका जोर रोजगार पर था। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किस तरह की योजना लाएंगे। उन्होंने कहा कि जो पैसा मोदी सरकार ने अमीरों में बांटा वो हमारी सरकार बनी तो गरीबों को देंगे। वैसे दोस्तों, अग्निवीर योजना के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या इस योजना को बंद कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। वित्त मंत्री बोली, हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड फिर से लाएंगे। कांग्रेस बोली, और कितना लूटेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को असंवैधानिक बताया था। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम पर फिर विवाद हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। सरकार के दोबारा से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाने की बात पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस बार वे कितना लूटेंगे। इससे पहले 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह स्कीम असंवैधानिक है, बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है, यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विनेश अंशु रितिका को पेरिस ओलंपिक के टिकट, फोगाट लगातार तीसरी बार कोटा दिलाने वाली पहली महिला रेसलर, 4 महीने पहले खेल रत्न लौटाया था। जी हां दोस्तों, WFI के खिलाफ रेसलर्स के धरने की अगुवाई करने वाली विनेश फोगाट ने शनिवार 20 अप्रैल को बिश्केक में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में 50 किलो वेट कैटेगरी का पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। विनेश के अलावा अंशु मलिक ने 57 किलो और रितिका ने 76 किग्रा कैटेगरी में ओलंपिक कोटा हासिल किया है। विनेश ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की लारा गनिक्यानजी को 10-0 से हराकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। उन्होंने लारा के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 4 मिनट 18
सेकंड में मुकाबला जीत लिया। विनेश ने लगातार तीसरे ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है। वे 2020 के टोक्यो और 2016 के रियो ओलंपिक के लिए भी कोटा हासिल कर चुकी है। विनेश लगातार तीन ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई की युवती ने रवि किशन को अपना पिता बताया, किया मुकदमा, डीएनए जांच की मांग। जी हां दोस्तों, मुंबई की 25 वर्षीय एक युवती ने शनिवार को यहां की एक अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि किशन के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दावा किया है कि गोरखपुर के सांसद उनके जैविक पिता है। महिला ने डीएनए परीक्षण की मांग की है। शिनोवा नामक युवती ने उसे अभिनेता से नेता बने रवि किशन की जैविक पुत्री घोषित करने का अदालत से अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह अपर्णा सोनी के साथ भाजपा नेता के रिश्ते से पैदा हुई है। युवती ने वह निषेधाज्ञा जारी करने का अदालत से अनुरोध किया है, जिसके तहत रवि किशन किसी भी प्रकार उसे अपनी जैविक पुत्री मानने से इनकार न करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी, सीबीआई बोली कोर्ट ने इन्हें मास्टरमाइंड माना, बेल मिली तो जांच और गवाहों को प्रभावित करेंगे। जी हां दोस्तों, रावेस रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े सीबीआई और ईडी केस में रेगुलर जमानत की मांग वाली याचिका मनीष सिसोदिया की जमानत वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा से कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने सिसोदिया को केस का मास्टरमाइंड माना है, वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भी जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन इसे वापस ले लिया गया। मनीष शराब नीति केस घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ओपन एआई ने भारत में पहला एम्प्लॉय नियुक्त किया, प्रज्ञा मिश्रा को कंपनी का गवर्नमेंट रिलेशन हेड बनाया गया, पहले ट्रूकॉलर और मेटा में थी। जी हां दोस्तों, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में अपने पहले एम्प्लॉय को नियुक्त कर दिया है। कंपनी ने 39 साल की प्रज्ञा मिश्रा को अपना गवर्नमेंट रिलेशन हेड बनाया है। प्रज्ञा मिश्रा पहले ट्रूकॉलर और मेटा में काम कर चुकी है। वे महीने के आखिर में ओपन एआई में काम शुरू करेगी। इस अपॉइंटमेंट को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। ब्लूमबर्ग ने मामले से परिचित लोगों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने को पूरी ताकत झोंक दूंगा, 38 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक विश्व कप खेलने को हैं तैयार। जी हां दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ दिनेश कार्तिक का खेल भी निखरता जा रहा है। टीम इंडिया के अनुभवी विकेटकीपर कार्तिक का कहना है कि उनकी नजरें आगामी T20 विश्व कप में खेलने पर लगी हुई है। आईपीएल के इस सीजन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए दिनेश कार्तिक बल्ले से खूब धमाल मचा रहे हैं। उनका कहना है कि T20 विश्व कप टीम में जगह बनाने को वह पूरी ताकत झोंक देंगे। T20 विश्व कप के 90वें संस्करण का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज में 1 जून से होगा। विश्व कप तक कार्तिक 39 साल के हो जाएंगे। दाएं हाथ के अनुभवी विकेटकीपर दिनेश कार्तिक 2022 में ऑस्ट्रेलिया में T20 अंतरराष्ट्रीय विश्व कप के अंतिम चरण का हिस्सा थे, जो भारतीय टीम के लिए उनका अंतिम टूर्नामेंट था। तब से वह क्रिकेट विशेषज्ञ बन गए और कमेंट्री भी करने लगे हैं। आईपीएल के इस सत्र में वापसी करते हुए वह अपने बल्लेबाजी को नए स्तर तक लेकर गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सीजीआई बोले नए क्रिमिनल लॉ समाज के लिए ऐतिहासिक, ये तभी सफल होंगे जब जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वह इन्हें अपनाएं। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस डीवाई चंचूड़ ने 3 नए आपराधिक कानूनों को ऐतिहासिक बताया। सीजीआई ने यह भी कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव के लिए तैयार है। यह बदलाव तभी सफल होंगे जब जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वह इन्हें अपनाएं। सीजीआई के मुताबिक इन नए कानूनों ने आपराधिक न्याय के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि कोई भी कानून क्रिमिनल लॉ जैसा रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित नहीं करता है। सीजीआई ने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यह बातें कही। कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में हीटवेव, तापमान 43 डिग्री, अगले 3-4 दिन हालात ऐसे ही रहेंगे। 17 राज्यों में आज बारिश का है अनुमान। यह दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को 12 राज्यों में हीट वेव चलेगी। इसमें बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और तमिलनाडु शामिल है। यहां हीट वेव की स्थिति 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। इन राज्यों के 17 शहरों में शुक्रवार को दिन का तापमान 43 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने 17 राज्यों में बारिश का अनुमान भी लगाया है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, असम, मेघालय, नागालैंड,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इतना ज्यादा बच्चा पैदा कर दिए, अब सबको काम पर लगा दिए, लालू पर नीतीश के बिगड़े बोल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के बनमनखी में एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए लालू परिवार पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया। उनकी विवादित टिप्पणी से विपक्ष नाराज हो गया। नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आधार पर लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शनिवार को कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों के कारण उन्हें यानी कि लालू प्रसाद यादव को गद्दी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। अब वह अपने बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने कई बाल बच्चे पैदा किए, क्या किसी को इतने बाल बच्चे पैदा करने की जरूरत है। लालू परिवार के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए नीतीश ने कहा कि उनकी बेटियां और दो बेटे पहले से ही सक्रिय राजनीति में हैं। वे वास्तव में क्या करते हैं, वे अपनी सनसनीखेज टिप्पणियों से सुर्खियां बटोरते हैं। वैसे दोस्तों नीतीश कुमार की इस टिप्पणी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शार्क टैंक जज की मौत की खबर हुई वायरल, विनीता सिंह बोली 5 हफ्ते से जूझ रही हूं, मौत और गिरफ्तारी की खबरें फर्जी है। जी हाँ दोस्तों, शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ और रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया की जज विनीता सिंह ने अपनी मौत की खबर अफवाह बताई है। उन्होंने शनिवार 20 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। इतना ही नहीं, कुछ खबरों में विनीता सिंह की गिरफ्तारी की झूठी खबरें भी वायरल हो रही है। उन्होंने अफवाह को रोकने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच, मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी और मुंबई साइबर पुलिस को शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए जाने के बाद एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। पोस्ट में शुगर कॉस्मेटिक्स सीईओ ने अपनी पोस्ट में एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसका टाइटल था भारत के लिए एक कठिन दिन, हम विनीता सिंह को अलविदा कहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या, लड़की के पिता और बीजेपी ने लव जिहाद बताया। सिद्धारमैया बोले हत्या निजी कारणों से की गई। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस सांसद निरंजन हिरेमत की बेटी की हत्या केस को भाजपा ने लव जिहाद का मामला बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस घटना के पीछे लव जिहाद का एंगल है। कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। उधर लड़की के पिता ने भी घटना को लव जिहाद का मामला बताया। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी, वे उसे धमकी दे रहे थे, लेकिन हमारी लड़की ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आतिशी ने शेयर की केजरीवाल की डायबिटीज रीडिंग, कहा इतने हाई लेवल पर इंसुलिन नहीं दी तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। जी हां दोस्तों, मंत्री आतिशी ने शनिवार 20 अप्रैल को सीएम अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज और शुगर लेवल रिपोर्ट शेयर कर बड़ा दावा किया। उन्होंने तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की 12 से 17 अप्रैल तक की शुगर लेवल रीडिंग शेयर की है। आतिशी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल हाई होने के बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। अगर समय से इंसुलिन नहीं मिलता है तो व्यक्ति के अंग धीरे धीरे काम करना बंद करने लगते हैं। उधर प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन उनकी अपील नहीं मान रहा है। कुल मिलाकर यह केजरीवाल को खत्म करने की साजिश है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। डीडी न्यूज के लोगों का रंग लाल से नारंगी हुआ, टीएमसी ने कहा दूरदर्शन का भगवा करण हुआ, ये प्रसार भारती नहीं प्रचार भारती है। जी हां दोस्तों, पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने अंग्रेजी चैनल डीडी न्यूज के लोगों का रंग लाल से बदलकर नारंगी कर दिया है। इस पर तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी के राज्यसभा सांसद और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने कहा है कि दूरदर्शन का भगवाकरण हो गया है, अब ये प्रसार भारती नहीं प्रचार भारती हो गया है। दरअसल दोस्तों 16 अप्रैल को दूरदर्शन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नया प्रमोशनल वीडियो शेयर किया था। इसके कैप्शन में लिखा था, हालांकि हमारे मूल्य वही हैं, अब हम एक नए अवतार में उपलब्ध हैं, ऐसी समाचार यात्रा के लिए तैयार हो जाए जो पहले कभी नहीं देखी गई, बिल्कुल नए डीडी न्यूज का अनुभव करें, डीडी न्यूज भरोसा सच का। इसके अंदर दोस्तों लोगों का रंग नारंगी से भगवा हो चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आउट, एक ही स्कूल से 10वीं और 12वीं के टॉपर, किसान के बेटे ने 12वीं में टॉप किया, क्लास 12 का रिजल्ट 7.08% बेहतर हुआ। जी हां दोस्तों, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट
जारी कर दिए गए हैं। इसको आप uprizults.nic.in वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के चेयरमैन महेंद्र देव और बोर्ड सेक्रेटरी दिव्यकांत शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी किए। एकेडमिक ईयर 2022-23 में क्लास 12 का पास परसेंटेज 82.60 रहा, जबकि क्लास 10 का पास परसेंटेज 89.55% रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, राहुल को वायनाड में संकट दिख रहा। नादेड़ की रैली में कहा, जैसे अमेठी छोड़कर भागना पड़ा वैसे ही वायनाड छोड़कर भागेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार दोपहर महाराष्ट्र के नादेड़ में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने पहले चरण में वोट देने वालों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, वायनाड में राहुल गांधी को संकट दिख रहा है, जैसे वे अमेठी छोड़कर भागे हैं उन्हें वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। नादेड़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने परभणी में भी जनसभा की। उन्होंने यहां कहा कि 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब आतंकी हमलों के डर, आए दिन बम धमाके की खबरें छाई रहती थी। 5 साल बाद 2019 में सीमा पार से होने वाले हमलों की चर्चा बंद हो गई और सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। ये तो मोदी है, घर में घुसकर मारता है, हर जगह है, यही चर्चा होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर शौर्य की यह धरती महाराष्ट्र भी गर्व से भर गई थी। हिंदुस्तान के हर नागरिक को इस पर गर्व हुआ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पाकिस्तान में 8000 करोड़ निवेश करेगा सऊदी अरब। क्यों तंगहाली और आतंकवाद के बावजूद पाक की मदद को तैयार हुआ क्राउन प्रिंस, इसकी यह 5 वजह है। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब जल्द ही पाकिस्तान में तांबा और सोने के खनन से जुड़े प्रोजेक्ट में 8.34 हजार करोड़ का निवेश करेगा। सऊदी के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल सऊद हाल ही में 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान दोनों देशों के बीच डील पर चर्चा हुई। वहीं शुक्रवार को पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी सऊदी के सहायक रक्षा मंत्री मेजर जनरल अब्दुल्लाह अल ओताइबी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस प्रोडक्शन और मिलिट्री ट्रेनिंग पर भी चर्चा हुई। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईद उल फितर के मौके पर सऊदी अरब गए थे। वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें इफ्तार पार्टी का न्योता दिया था। पाकिस्तान में आर्थिक तंगहाली और राजनीतिक उठापटक के बीच सऊदी हमेशा से उनके साथ खड़ा रहा है। चले दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ओपनिंग डे पर फ्लॉप रही दो और दो प्यार LSD 2, दोनों फिल्में मिलकर भी नहीं कमा पाई 1 करोड़, फिल्म क्रिटिक्स ने बताया ड्राई फ्राइडे। जी हां दोस्तों, इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में दो और दो प्यार और LSD 2 रिलीज हुई। ओपनिंग डे पर इनकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस इतनी बेकार रही कि दोनों ही फिल्में मिलाकर 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई। पहले बात करते हैं दोस्तों विद्या बालन, प्रतीक गांधी, इलियाना डिक्रूज और सेंथिल स्टारर दो और दो प्यार की। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर मात्र 50 लाख रुपए कमाए। यह इंडिया में 543 और ओवरसीज 271 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। शीर्षा गुहा ठाकुर था निर्देशित इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी पहले दिन मात्र 9.10% रही। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ दिवाकर बैनर्जी की फिल्म LSD 2 की बात करें तो इसकी कमाई और भी कम रही। इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 15 लाख रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है और इसमें परितोष तिवारी, बोनीता राजपुरोहित और अभिनव सिंह जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। पहले दिन इस फिल्म की सिर्फ 5.48% रही। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय सिनेमा के इतिहास का पहला सुपरस्टार किसे माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार का नाम तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।